सीएसके के मैच में क्यों टूटते हैं व्यूअरशिप के रिकॉर्ड। दोस्तों, देश में इस वक्त क्रिकेट का महापर्व मनाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 16वां संस्करण खेला जा रहा है और बीते कुछ दिनों से मुकाबले बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड बना सोमवार 17 अप्रैल को खेले गए मुकाबले के दौरान। मैच था बेंगलुरु के एम एच चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। यह मैच चेन्नई की टीम ने 8 रनों से जीता, लेकिन इस मैच को 2.4 करोड़ लोगों ने लाइव देखा, जो अब तक की सबसे बड़ी व्यूवरशिप है। यह एक हाई स्कोरिंग मैच था जिसमें नतीजा आखिरी ओवर में ही निकला। सोमवार को आरसीबी बनाम सीएसके मुकाबले को 2.4 करोड़ लोगों ने मोबाइल पर लाइव देखा, जो अब तक की सबसे बड़ी व्यूवरशिप है। इससे पहले बुधवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबले को 2.2 करोड़ की व्यूवरशिप मिली थी। यह मैच बतौर चेन्नई का कप्तान धोनी का 200वां मैच था। आईपीएल 2023 में अब तक की सबसे बड़ी व्यूवरशिप सीएसके वर्सेज आरसीबी 2.4 करोड़, सीएसके वर्सेज आरआर 2.2 करोड़, आरसीबी वर्सेज एलएसजी 1.8 करोड़, एसआरएस वर्सेज केकेआर 1.7 करोड़, एमआई वर्सेज डीसी 1.7 करोड़। आप देख सकते हैं इसमें टॉप टू में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम है। चेन्नई के मैच में व्यूवरशिप के रिकॉर्ड क्यों टूटते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। वजह साफ है, चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। कहा जा रहा है कि यह आईपीएल धोनी का आखिरी आईपीएल होगा, इसके बाद धोनी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर देंगे। यही कारण है कि लोग अपने चहेते खिलाड़ी को मैदान पर अंतिम बार एक्शन में देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्टेडियम में हो या फिर टीवी या फिर फोन में। आने वाले समय में व्यूअरशिप के और भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बेंगलुरु बनाम चेन्नई मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 226 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम 8 विकेट खोकर 218 रन बनाने में कामयाब हुई। पूरे मैच में कई कैच छूटे, लेकिन अंत में चेन्नई ने बेंगलुरु की टीम को उनके घर में मात दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने 45 गेंदों में 83 रन बनाए, जबकि शुभम दुबे ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की आतिशी पारी खेली। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 37 रन बनाए थे। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, वो मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। कप्तान और सलामी बल्लेबाज फैब डुप्लेसी ने 33 गेंदों पर 62 रन, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि वे टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई के तुषार देशपांडे ने 3 विकेट हासिल किए थे। सीएसके के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय दें। क्रिकेट के स्टोरीज, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।